तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। हमेशा याद रखना, कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। लेकिन बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखनी चाहिए। लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 3 पॉइंट्स से। पहला लेसन, ईगर फ्लाई अलोन। बाज अकेला उड़ता है, बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, कभी भी पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज अकेला उड़ेगा और या बाज के साथ उड़ेगा। इससे हमें यही सबक मिलता है, छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहो और अकेले रहो। ये वही समय है जो खुद को जानने का मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। बाज हमेशा अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, उसके बाद उसे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए वो हासिल करके रहता है। इससे हमें ये सबक मिलता है, विजन क्लियर रखो, चाहे तुम्हें कितनी मुश्किल क्यों ना हो, उसे हासिल करने में कितनी मुश्किल क्यों ना हो, पीछे मत हटो। तीसरा लेसन, बाज हमेशा मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सबक मिलता है, हमारा पास्ट मर चुका है, उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो, ऐसे आने वाली फ्रेश जिंदगी के बारे में सोचो। अपने पास्ट की बुरी यादों को वहीं रहने दो जो तुम्हें तंग करती हैं, इनको पास्ट में ही रहने दो, उनको जगह मत दो। अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया, तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो चुका हो, वो सब कुछ मर चुका है। अब बाज की तरह बनो जो मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।